बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। काशी में आज सुबह नीतीश गंगा आरती में शामिल हुए और इस दौरान नीतीश ने गंगा की घटती धारा और नदी में होने वाले प्रदूषण को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि अविरल गंगा के बिना निर्मल गंगा संभव नहीं है। इसके बाद उन्होंने संकट मोचन मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। संकट मोचन मंदिर में ज्यादा वक्त तक नीतीश के रुकने पर स्थानीय लोगों ने एतराज जताया है। गंगा की स्थिति होती चली जा रही है, जो नदी की धार कमजोर होती चली जा रही है और इसमें जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मेरी अपनी समझ है कि सिर्फ निर्मलता नहीं, अविरलता के बिना निर्मलता भी संभव नहीं। इसलिए हम लोगों को पूरे तौर पर गंगा नदी की अविरलता पर ध्यान देना चाहिए, निर्मलता पर ध्यान देना चाहिए, और अविरलता रहेगी तो निर्मलता भी बहाल रहेगी। और इस वक्त अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये कहें गंगा को लेकर एक अलग लगाव है, इसीलिए हम केंद्र सरकार की बात करें तो नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की थी सत्ता में आते ही गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के लिए। अब जब नीतीश कुमार पहुंचे तो वो भी इस चिंता को जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, अविरलता निर्मलता बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बातों ही बातों में अप्रत्यक्ष तौर पर फिर से केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर निशाना साधा जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से गंगा को लेकर चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, सिवाय राजनीति के किसी ने कुछ किया है नहीं। चूंकि दो सालों में केंद्र द्वारा भी जो लगातार ये घोषणाएं हुई, लगातार ये दावे और वायदे किए गए, जमीन पर वो दिखा नहीं, लगातार गंगा का जलस्तर घटते ही चला गया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार उन 5 राज्यों में से एक है जहां से गंगा होकर निकलती है। गंगा सागर पहुंचने से पहले बिहार होकर ही गंगा पहुंचती हैं, लेकिन बिहार में भी हमने लगातार खबरें दिखाई हैं श्वेता, कि वहां भी गंगा की क्या स्थिति है, चाहे वो एसटीपी के मामले में हो चाहे धारा के मामले में हो। वहाँ भी राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी है, किसी सरकार ने कोई जिम्मेदारी निभाई नहीं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का रजिम रहा हो या नीतीश कुमार 10 साल वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके, वहाँ भी 10 सालों में कुछ विशेष प्रयास हुए नहीं। तो निश्चित रूप से उनको पता था कि वो वाराणसी में है, नरेंद्र मोदी के कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और गंगा एक बड़ी वजह थी नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की बनारस से, उनको पता था। और निश्चित रूप से सिवाय राजनीति के ये कुछ है नहीं। वहाँ से वो संकट मोचन मंदिर आते हैं, यहाँ वो दर्शन करते हैं, 45 मिनट तक वो यहाँ दर्शन करते हैं, और इस वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, खासकर उन लोगों को जिनको ऑफिस जाना होता है। आजकल थंब इम्प्रेशन से ही अटेंडेंस लगता है, और वो बिल्कुल तय समय में अगर आप थंब इम्प्रेशन आप नहीं लगाएंगे तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा। ऐसे लोग परेशान दिखे, बुजुर्ग परेशान दिखे, दिव्यांग परेशान दिखे, तो चूंकि प्रशासन द्वारा कोई प्रोटोकॉल तय नहीं किया गया था कि वो कितनी देर मंदिर में रहेंगे, तो 45 मिनट से ज़्यादा जब वो मंदिर में वक्त बिताए तो उससे स्थानीय लोगों में खासी परेशानी दिखी। जी, और वहाँ के स्थानीय लोगों को ही अपने साथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन किस तरीके से वो परेशान हो रहे हैं, 45 मिनट का वक्त गुजारा काशी विश्वनाथ मंदिर में, इसको लेकर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।